विराट के बघेरी समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां ए दिन शहर में लगे नए साल के बधाई संदेशन के होर्डिंग चर्चा के विषय बने हैं। बताए दे कि एक तरफ कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू द्वारा लगवाई गए होर्डिंग जेमा लिखा है, नया साल नई सरकार, कल का देश सुनहरा आकार, आए रही ही कमलनाथ के सरकार। ओही होर्डिंग के पास कमलनाथ के फोटो के साथ भाजपा नेता गौरव तिवारी होर्डिंग लगवाई और जेमा लिखाइन के कमलनाथ का मुबारक हो, नया साल 2023 मा फेर होई कांग्रेस के बुरा हाल। दोनों होर्डिंग देख के अपना अनुमान लगा ले कि एक तरफ जहां कांग्रेसी का कमलनाथ पर भरोसा है, वहीं भाजपा का कमलनाथ से खतरा महसूस हो रहा है। अपना पंचन का बताए दे कि कॉलेज चौराहा के लगे राजेंद्र शुक्ला के द्वारा होर्डिंग लगवाई गई है, जिमें लिखा है, सबके साथ सबके विकास, अपना के विश्वास, हमार प्रयास। ए होर्डिंग में गुरमीत सिंह मंगू निशाना साध के कहें कि राजेंद्र शुक्ला के विकास भा है और उनके चाहे वाले के काहे के विश्वास और कैसन प्रयास, जनता के कौनो विकास नहीं भाया। आई सुनी थे शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू कौन तरह से राजेंद्र शुक्ला का आड़े हाथों लिहीन और का प्रतिक्रिया दीन है। युवा में एक होर्डिंगों का दौर चल रहा है, खूब होर्डिंगों में विकास दिख रहा है। जहाँ भी आपने हमको बताया यहाँ पर कि सबका साथ सबका विकास करके होर्डिंग लगाई गई है, क्या हकीकत बताना चाहते हैं आप, क्या है इसमें? आदरणीय पत्रकार जी, मैंने आपको खुद इस नए वर्ष पे काले चौराहे पे बुलाया, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि पूरे शहर के अंदर होर्डिंगें लगी हैं, उस पर लिखा हुआ है सबका साथ सबका विकास। उसमें एक होर्डिंग देखिए राजेंद्र शुक्ला जी की है, उस पर लिखा है सबका साथ सबका विश्वास, आपका विश्वास, हमारा प्रयास। तो मेरा तो पहला क्वेश्चन है सबका साथ सबके विकास में कि आदरणीय मंत्री जी 18 वर्षों में आप पहले ये बता दिए सबका साथ सबका विकास, विकास आपका हुआ या समदड़िया का हुआ या आपसे जुड़े हुए भूमाफियाओं का हुआ जिन्होंने कौड़ियों के दाम पे ज़मीन खरीदी और बेच दी। इसके अलावा और लोग कौन हैं, उनके 5 लोगों का नाम आप मुझे बता दिए जिनका आपने विकास आम आदमी का किया हो। मैं उन 5 लोगों का आपसे नाम जानना चाहता हूँ। सौर ऊर्जा प्लांट को लेकर नागेंद्र सिंह जी खुलेआम बोल रहे हैं कि सबका साथ सबके विकास में हमारी बत्ती गुल हो गई, नागेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं हमारी बत्ती गुल हो गई। रीवा जिले के रोजगार के चाहने वाले जो बेरोजगार हैं उनको सौर ऊर्जा में रोजगार नहीं मिला। फिर लिखा हुआ है आपका विश्वास, हमारा प्रयास, आपका विश्वास। मंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ, ये बैरियर लगा हुआ है, ये 15 वर्षों से रोड नहीं बन पाई, ये आपका विश्वास है, इसी को आप प्रयास बोल रहे हैं। 15 वर्षों से आप रोड नहीं बनवा पाए, वाह, सबका साथ सबका विकास में तो आपने अपना घर बन लिया मंत्री जी, आम आदमी का घर नहीं बन पाया। तो आपसे निवेदन है कि अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है, अब हमें 2023 में आने दीजिए, फिर हम सबका भी काम करेंगे, विकास भी करेंगे और आम आदमी का दिल भी जीतेंगे, जिस तरह 100 रुपये का बिजली का बिल देके आदरणीय कमलनाथ जी ने दिल जीता था। क्या लगता है आपको, रिवर फ्रंट में टहलने से बेरोजगारों का पेट नहीं भरेगा, रोजगार नौकरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये विकास नहीं मानते क्या? रानी तालाब मंदिर का जो फ्रंट बना उसकी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बधाई देता हूँ मंत्री को, लेकिन रिवर फंड में बधाई नहीं दूंगा। इको पार्क बन रहा, लोग टहलेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, सुनिए, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि रिवर फंड के मुद्दे पे मैं मंत्री जी को बधाई नहीं दूंगा। पीछे दो दो मंदिर है, वहाँ आप वहाँ रेस्टोरेंट खुलवा रहे हैं, वहाँ आने वाले समय में नॉनवेज वेज सब चलेगा, वहाँ बियर बार बनेगा और जो लोग जाएंगे, जो भी जाते हैं इंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, वहाँ किस तरह का माहौल तैयार होगा। और आने वाले समय में जब प्रकृति अपने विकार रूप लेगी तो इको फ्रंट में किसी की दुर्घटना ना हो, ये हमें सोचना होगा। और वहाँ पे जो मंदिर की अस्मिता है, जिसको राम बोलते हैं, सीता बोलते हैं और हिंदू धर्म की बात करते हैं, वहाँ पीछे दो दो मंदिर हैं, वहाँ क्या क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास, आपका विश्वास, हमारा प्रयास, आपका प्रयास अपने लिए है, आपका विकास अपने लिए है, आपका विकास सिर्फ सौंदर्या के लिए है, आम जनमानस के लिए नहीं है। जय हिंद, जय भारत। नया साल के पहले दिन धार्मिक स्थलन माँ उमड़े वाली भीड़ के साथ असामाजिक तत्वन के जमावड़ा लागत है, जहाँ चैन स्नेचिंग पर्स के चोरी आम ही। ए अपराधीन का रोके के खातिर पुलिस प्रशासन कई एक दिन से हाथ पैर चलावत रहा।
शहर के खास धार्मिक स्थल के साथ देवतराव और नईगढ़ी देवी मंदिर में भक्तन के खासा भीड़ एकत्र भई, जहां हमारे प्रतिनिधि रोहित पाटिल इहन के जायजा लिहन और लोगन के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लेके थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और यहाँ आवे वाले लोगन से चर्चा की गई। आई अपनों का ले चली थे सीधे नईगढ़ी दिखाई थे कौर मेर के उत्साह के साथ लोग नए साल के शुरुआत की ही नहीं और पुलिस प्रशासन कैसन चौकन्ना। नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 में। मैं रोहित पाटिल पहुंच चुका हूं नईगढ़ी क्षेत्र में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नया साल चल रहा है और नए साल का आज पहला दिन है और रीवा SP नवनीत बसीन ने 31 और 1 तारीख को हाई अलर्ट जारी किया है। तो मैं आज यहाँ पहुँच चुका हूँ भौती प्रताप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज नए साल में काफ़ी भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है। तो यहाँ पर मैं हम लोग जान रहे हैं कि देख रहे हैं कि पुलिस की क्या व्यवस्था है। कई पॉइंट बनाए गए हैं, नईगढ़ी पुलिस ने कई पॉइंट बनाए हैं और कई सारे क्षेत्र का भ्रमण भी किया है। और हमारे साथ स्वयं यहाँ पर नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर सर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह के पॉइंट हैं और नए साल को लेकर क्या व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है। सर, नए साल में आपको विराट 24 स्वागत है जी। आपको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे नईगढ़ी थाना अंतर्गत जो है दो पॉइंट पड़ते हैं, एक अष्टभुजी है और एक आपका भौती जलप्रपात पड़ता है। इसमें लोगों के घूमने की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पॉइंट लगे हुए हैं और व्यवस्था की गई है जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई असामाजिक तत्व जो है यहाँ के कोई ऐसी दुर्व्यवहार ना करे, उसको देखते हुए व्यवस्था की गई है। और बाकायदा लोग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ है और सब नए साल का एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और हम लोग सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो क्या माना जा सकता है कि पुलिस हाई अलर्ट पे है, नईगढ़ी पुलिस भी हाई अलर्ट पे है? अभी अष्टभुजी मंदिर में भी काफ़ी भीड़ दिखाई दी, वहाँ भी आपने निरीक्षण किया था, तो वहाँ किस तरह के निर्देश आपकी तरफ से मंदिरों में? जी हाँ, एक चूँकि वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश हुआ है कि ऐसा व्यवस्था को पूरा तरीके से सुचारू रूप से तैयार करना है, उन्हीं के निर्देशन में ही सारी चीज़ें चल रही हैं। और प्रशासन इसलिए अलर्ट है चूँकि कई बार यहाँ पूर्व में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो ऐसा वापस उसका जो है घटना न घटित हो, इसी के तारतम्य में जो है व्यवस्था रखी गई है और लोगों को समझाई दी जा रही है कि किनारे ना जाएं और आराम से जो है अपना एंजॉय करें। अभी कई बाइकर्स गैंग भी अब देखे गए हैं रास्ते में, तो उनको भी समझाइश दी गई है? उनको किस तरीके समझाइश, क्या चलान किया जाएगा गाड़ियों को जो अभी पकड़ा गया है, क्या चलान किया जाएगा? जी हाँ, अभी जो 3 सवारी जा रहे हैं, बिना नंबर की गाड़ियाँ जा रही हैं, उनको पकड़ के उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। अगर जो बिना कागजात या अनावश्यक गाड़ियाँ हैं उनके विरुद्ध चलानी कार्रवाई की जा रही है। खबर रीवा से है जहां 100 डायल वाहन और कार के जोरदार टक्कर भई। यह घटना में कार चकनाचूर हो गई। बताई दी कि यह घटना रीवा जिला के सुहागी थाना क्षेत्र में पहाड़ी के नीचे घटित भई। घायल सतना जिला के उदयपुर कॉलोनी निवासी गौतम परिवार बतावा जात है। बतावा जात है कि कार सवार सतना जिला के मैहर के रहने वाले आई, जौन अयोध्या दर्शन करे गए रहे, रास्ता में दुर्घटना के शिकार हो गए। कार में बैठे 5 लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार के खातिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचावा गया है, जहां हालत खराब होने पर संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रीवा जिला के जवा सेंट मैरी स्कूल में नया साल बड़े धूमधाम के साथ मनावा गया। वहीं विप्र सेवा संघ के द्वारा नए साल के शुरुआत निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाए की गई। बता दें कि 6 साल से सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में विप्र सेवा संघ विप्र सेवा फाउंडेशन अपने खास उद्देश्य का पूर कई के 406वां आयोजन पूर कई के आज नया साल के शुरुआत के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के शुभारम्भ की ही सी। वहीं सेंट मैरी स्कूल के संचालक और प्राचार्य वंशिका मिश्रा और शिक्षक उमेश पाठक सहित अन्य शिक्षक गांव पहुंचे और गरीबन का जरूरत के सामान बांटी हैं। आई सुनित हैं समाज सेविन के द्वारा का जानकारी दी गई। यहाँ आ जा दीदी, यहाँ आ जा, बीच में आ जा। एक और दीजिए, एक और शब्द दीजिए। और इधर खड़े रहिए, बस एक तो एक खड़े रहिए। नए साल के शुरुआत के पहला दिन है, 31 दिसंबर के रात जश्न मनावागा और जश्न मनाए के बाद सवेरे से धार्मिक स्थलन में लोगन के हुजूम उमड़ पड़ा। एक खातिर प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाए के रखे है। रीवा जिला के चिरहुला मंदिर, उपराहाटी किला में महामृत्युंजय मंदिर, कोठी कंपाउंड की शिव मंदिर, रानी तालाब के साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम दरबार में भक्त पहुंचे और
दर्शन के साथ शुरुआत की ही नहीं वही दूर के इलाकन के बात करी तो देव तालाब के शिव मंदिर, नईगढ़ी देवी मंदिर, सिमरिया के बसावन मामा, गोविंदगढ़ के खंधो माता मंदिर, जिला वासिन का नया साल के पहले दिन के शुरुआत के खातिर सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थल माना जात है। सवेरे से चिरहुला मंदिर में शहरवासिन की भीड़ उमड़ी ही और लोगन के द्वारा बजरंग बली के आशीर्वाद ले के दिन के शुरुआत की ही नहीं। चिरहुला नाथ मंदिर है सर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और हम लोग काफ़ी दर्शन करने यहाँ बहुत दिन से आते हैं और मैं मंगलवार को, हर मंगलवार को आता हूँ दर्शन करने सर। बहुत अच्छी मंदिर है और हर साल आते हैं सर, काफ़ी भीड़ है सर। क्या नाम है? रविकांत पांडे। हर वर्ष की तरह इसी तरह? हाँ, हर वर्ष की तरह इसी तरह भीड़ होती है, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है सर। यहाँ तो बहुत पुरानी मंदिर है चिरहुला नाथ की और कृपा भी होता है दर्शनों की, इसीलिए भक्त आते हैं। बहुत पुरानी प्रसिद्ध मंदिर है। नया साल है और नया साल है। चाहे जो भी दिन हो लेकिन नया साल में भीड़ लगती ही लगती है। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह बघेल। खबर रीवा से है जहां नया साल 2023 की शुरुआत शांति और सद्भावना महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन में महापौर अजय मिश्रा बाबा के साथ सेनानी, प्रशासनिक अधिकारी और शहर के बुद्धिजीवी लड़का बिटिया मौजूद रहे। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा कहीं के नया साल के शुरुआत के पहले दिन सफाई और सद्भावना का संकल्प ले जाए। वही महामृत्युंजय से प्रार्थना की नहीं कि हमारे जिला, प्रदेश मा, देश मा कोनो प्रकार के अप्रिय घटना ना हो, न हम केहू के प्रति द्वेष भावना रखी। उन्हें सैनिक समाज सेवी कार्यक्रम का संबोधित की। आई दिखाई थे अपना पंचिन का शांति सद्भावना महोत्सव के कार्यक्रम और सुनाई थे नए साल के शुरुआत के खातिर लोगन के द्वारा का अपील की गई। साथ ही अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्य एवं समाज के सज्जनों को भी अपने इससे दूर रखूंगा ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सच्चा सेवक बन सकूं। समझा कि 1 जनवरी को किसी भी प्रदेश के जिले के अंदर शांति और सद्भाव का कोई महोत्सव होता होगा, ये पहली बार सुना और आज मैं देख भी रहा कि रीवा ने अपनी उस सनातन संस्कृति को, अपनी परंपरा को कायम रखा है, क्योंकि जहां शांति और सद्भाव होता है वहीं उन्नति और विकास भी होता है। एक मानवता की नई मिसाल कायम होती है, एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि राष्ट्र रेखाओं से अंकित कोई वो चित्र नहीं होता है, राष्ट्र होता है कि उसमें नए पुष्पित मानवता की वो महक जो तरह तरह के हमारे खिलते हुए पुष्प एक मानव के रूप में एक साथ मिलकर के अपने उस जगह को, जहान को, राष्ट्र को सुशोभित करते हैं और इस राष्ट्र की महक को पूरी दुनिया में लेकर के जाते हैं, तभी तो हमारे राष्ट्र पूरे विश्व से अलग है। ये हिंदुस्तान ही ऐसा है कि जहां पर पारिवारिक सनातन संस्कृति है, किसी दूसरे राष्ट्र में नहीं, और इसी पारिवारिक सनातन संस्कृति के तहत हमारा आपस में लगाव होता है, अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है, लगाव होता है, तभी तो वो लोग अपनेपन के लिए अपने आप को उसके लिए मिटा देते हैं। दूसरे देशों के अंदर 18 साल का बच्चा हुआ उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बुजुर्ग होते हैं तो उनको वृद्धावस्था आश्रम के अंदर व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर एक दूसरे के बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ यहाँ रिश्ते नाते हैं, ऐसी संस्कृति है, उसी से तो एक गूढ़ता, एक प्रेम, एक लगाव पैदा होता है। तो जिस तरह से आज रीवा शांति और सद्भाव का महोत्सव मना रहा,
उन्होंने उसी सोच के साथ शांति और सद्भाव के लिए दोनों मुल्कों के साथ वार्तालाप शुरू किए। उसी के तहत सद्भावना एक्सप्रेस शुरू की गई, लाहौर बस यात्राएं हुई। पॉलिटिकल स्तर के ऊपर दोनों मुल्क मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ने लगे। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण हो और मानवता का विकास हो। उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तोरतुक ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर सर्दियों में -50 -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब मानव जीवन का जीवित रहना असंभव होता, वहां दोनों देशों की एक कानून पारित थे कि सर्दियों में वहां पर फौजें नहीं रहेंगी, अपने नीचे बेस कैंप बनाएंगी। हमारी फौज क्योंकि एक अनुशासन प्रिय फौज, हम अपने नीचे बेस कैंप में थे लेकिन वो बेस कैंप में नहीं गए, उन्होंने हमारे तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया और सर्दियों के 4-5 महीने के उस ड्यूरेशन के दौरान इतनी भारी तादाद में मैन पावर वहां पर राशन अमलेशन इकट्ठा कर लिया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंघनिया और शेर पैदा होते हैं, यानी हिंदुस्तान के सैनिकों ने, शेरों ने -20 डिग्री टेम्परेचर में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर उस समय कश्मीर वैली के अंदर ही थी। हमें सबसे पहले टाइट टोलोलिंग टॉप को फतेह करने के लिए द्रास सेक्टर में भेजा गया। उस टोलोलिंग टॉप के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, 22 दिन, और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में हमने वो टॉप पुनः प्राप्त किया। उसके बाद टाइगर हिल को फतेह करने का आदेश मिला। टाइगर हिल दराज सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम। उस पहाड़ी को फतेह करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसको फौजी भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं, और अगर हम एज ए सिविलियन समझ सकते हैं तो जो कमांडो टीम होती, जिसमें नए और पुराने जवानों का, विशेष जवानों का उसमें शामिल किया जाता है, विशेष ट्रेनिंग, विशेष हथियारों से, क्योंकि विशेष काम के लिए ही उस टीम का गठन होता है। जब उसमें जवानों का चयन शुरू हुआ तो मैं नौजवान साथियों आपको फिर बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं है, उसके कर्म से, उसके कार्य से। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के कोई पैदा नहीं हुआ, मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान, नहीं कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक आम सैनिक था। उस समय तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि 18 कैनेडियन ब्राव कंपनी नंबर 5 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान है, इससे ज्यादा और कोई पहचान नहीं। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अमनेशन पहुंचाना, 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना खाए, बिना सोए, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको घातक प्लेटून एज ए कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए।
मेरे नौजवान साथियों, कर्म कोई छोटा नहीं होता, कार्य कोई छोटा नहीं होता। कार्य के महत्व को समझे, वही कार्य आपको बहुत ऊपर लेकर के जा सकता है। क्योंकि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीवा के समस्त जन 2023 में बहुत अच्छे से इस रीवा को फलीभूत करें, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें और सुंदर रीवा बनाने में सहयोग करें। भाईचारा की भावना हो, सद्भावना की भावना हो और कोई भी अप्रिय न सोचे ना अप्रिय घटनाएं हो, ऐसे बाबा महामृत्युंजय भगवान से हम लोग मनोकामना करें। शहर के विकास के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा? एक नंबर का रहेगा। शहर को एक नंबर बनाना है, स्वच्छता में भी, सुंदरता में भी, व्यवस्था में भी। उसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे, सभी का सहयोग हमको आवश्यक है। बिल्कुल, सद्भावना दिवस के ऊपर ये रीवा की धरती पर शांति और सद्भाव का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, तो नौजवान शिक्षाविद यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर शांति और सद्भाव होता है, यहाँ पर सर्व समाज एक साथ मिलकर एक अवसर पर काम करता है, क्योंकि राष्ट्र और समाज बहुत उन्नत विकास करता है और मानवता आगे बढ़ता है। आज खातिर इतने। बघेली व बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।